हेलो एवरीवन, सुकुश कॉटेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 16 अगस्त 2019 को तीसरी शिफ्ट में जीएस और जीके क्या कुछ क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऐसा कौन सा भाग होता है, सेल का ऐसा कौन सा भाग होता है जिसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुसाइड बैग किसे बोला जाता है, तो सुसाइड बैग बोला जाता है लाइजोजोम्स को। तो ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि लाइजोजोम्स को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, हमारी इंडियन फुटबॉल जो टीम है उसके कप्तान है सुनील छेत्री, तो फुटबॉल से संबंध है इनका। विनर ऑफ आईपीएल 2019, यानी कि 2019 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है तो उसकी विजेता कौन सी टीम रही थी, वो रही थी मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन था वेयर साल्ट सत्याग्रह ओकर्ड, यानी कि जिस जो नमक सत्याग्रह था यानी कि जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पर हुआ था, वो था गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है वो रिटर्न नाइटहुड टाइटल आफ्टर जलियावाला बाग मैस्कर, यानी कि जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किन्होंने रिटर्न कर दी थी, अगर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में, जहां पर जनरल डायर ने एक भरी सभा के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला क्वेश्चन था विच फिल्म इज बेस्ट फिल्म इन 2019 ऑस्कर, यानी कि 2019 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ग्रीन बुक नामक मूवी को। ग्रीन बुक नामक मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड 2019 में। वेर इज गोलकुंडा फोर्ट, यानी कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, तो गोलकुंडा का किला है हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन था रन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी कि जो रन महोत्सव होता है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन था इफ प्रेसिडेंट डाई सडनली वो विल टेक केयर ऑफ हिज वर्क, यानी कि अगर किस भारत के राष्ट्रपति की अचानक से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके पदभार को कौन संभालता है। तो देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो उनके पदभार को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो वाज फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। वो वाज हेड ऑफ इंटरपोल इन 2018, यानी कि 2018 में इंटरपोल का मुखिया कौन था, इंटरपोल का हेड कौन था। तो देखिए, 2018 में इंटरपोल के हेड थे किम जोंग यांग, और ये दक्षिण कोरिया के यानी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस, एक डिपार्टमेंट होता है, एक संगठन है जो कि इंटरनेशनल जो क्राइम्स होते हैं उनको देख रेख करता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जनक किनको बोला जाता है। तो देखिए, अगर विश्व की बात की जाए तो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को, और अगर इंडिया की बात की जाए तो एमजी राणा डे को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 16 अगस्त 2019 को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो में आपके लगातार लाता रहता हूँ, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।